लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैंस हैव मैसेज सेइंग कि ये कुछ अलग है, पापा और बेटियों की जो बॉन्ड है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम पब्लिक, ऑफ कोर्स वो तो किसी को भी पसंद आएगा. अपनों का इज अ स्टोरी अबाउट अ फैमिली ऑफ 4. पूरा फेथ है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यू नो, सो इट्स समथिंग वेरी रिलेटेबल. महेश जी एंड नीथा हमारे साथ हैं. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली. थैंक यू सो मच. हाउ आर यू? Wonderful. How excited? Excessively excited. Super excited. Super excited. You know, just few days to go. Yeah. But please tell me कि response किस तरह का आ रहा है लोगों से, क्योंकि एक कलाकार कोई भी चीज़ करता है तो audience के लिए करता है, right? और audience से response अच्छा आता है तो उसको और अच्छा लगता है और you know motivate होता है, right? Please बताइए कि कैसे कैसे response audience से मिल रहे हैं, fans से मिल रहे हैं. You want to go with this first? Yeah. So, see, जब मैं ये प्रोमो बाहर आया, so lot of friends and fans have message saying कि ये कुछ अलग है. You know, I mean, हम तो कह ही रहे हैं, but वो लोग भी कह रहे हैं कि ये कुछ अलग है. ये मतलब पापा और बेटियों की जो बॉन्ड है, this is something different which we've never seen in TV. So they are really excited. I mean, हम तो है ही excited, and even getting such kind of response is feeling all good and positive. लेकिन सर जब इतना पॉजिटिव लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? इट फील्स गुड टू हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक, ऑफ कोर्स वो तो किसी को भी पसंद आएगा, बट ट्रोलिंग भी जब होती है तो भी मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज मैं कहता हूँ कि पसंद करो ना पसंद करो, डोंट इग्नोर मी. That's मेरा ये माना होता है. लेकिन क्या ट्रोलिंग अफेक्ट करती है सर? अगर मैं पूछूँ, एज ए सीनियर एक्टर काफ़ी यू नो आपने काम किया, कई फिल्मों में, यू नो टीवी शो में बहुत काम किया, समंदर हैं आप एक्सपीरियंस का अगर मैं कहूँ तो. लेकिन क्या ट्रोलिंग अफेक्ट करती है? क्या लोग अगर कुछ बोलते हैं तो क्या वो बुरा लगता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रोलिंग. अगर आप कोई पर्सनल अटैक करते हैं तो डेफिनेटली आई विल स्टैंड अप. Otherwise, if it's not personal, I welcome it because, of course, everybody has a right to say what they want to say. उनके बारे में जो सोचना है, जिस तरह से सोचना है, तो उन लोगों का मजा है, लेने तो मजा है. As long as it's not personal, I'm okay. You know. Also, please tell us something about the show. क्या exactly आंगन हमने देखा, you know, प्रोमो हमने देखा. आंगन एक शो का नाम है. Please बताइए क्या exactly है शो में और you know क्या कुछ खास बात है. So, आंगन अपनों का is a story about a family of 4. Okay, जयदेव शर्मा, दीप्ति, तन्वी और पल्लू. तो ये 4 लोग हैं बेसिकली, और 2 की शादी हो चुकी है. नीता की शादी हो चुकी है, मेरी बड़ी बेटी दीपा, दीपू. तन्वी की शादी हो चुकी है, शी इज़ गॉन इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली, तन्वी इज़ गॉन इनटू अ जॉइंट फैमिली. और जो तीसरी है पल्लवी, वो शादी नहीं करना चाह रही. क्यों? क्योंकि वो पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, और जब पापा को ये बात का पता चलता है तो ही डजंट टेक इट वेल. Okay. Because he feels that उसकी जो खुशी है उसकी लाइफ में how will it, कैसे हो सकता है? You have to get married. Yeah. तो ये एक सोच है which is in conflicting, and show उस पे शुरुआत होती है उसकी, and then आगे क्या होता है is what makes up the show, you know. तो शुरुआत वहाँ से है. नीता, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पहली बार इस कहानी के बारे में बताया गया था, इस किरदार के बारे में बताया गया था, तो क्या कुछ चल रहा था आपके मन में, you know, और क्यों आपने इस शो को yes बोला? See, honestly, जब ये स्टोरी और कैरेक्टर के बारे में मुझे कॉल आया, आई वॉज लाइक जस्ट वाओ. बिकॉज ऑनेस्टली टेलीविज़न में मैंने आई डोंट रिमेंबर कि ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पर फादर और डॉटर्स के बॉन्ड के बीच में, बिकॉज बहुत आपने लव स्टोरी, ड्रामा, ये वो देख लिया, बट नोबडी रियली फोकस्ड ऑन फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फादर एंड डॉटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नो. सो इट्स बिकॉज इवन आई लव माई डैड, आई नो हाउ डैड यू नो टेक्स केयर ऑफ डॉटर्स. सो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकती हूँ. आई वाज लाइक यार दिस इज़ अ गुड स्टोरी, रिलेटेबल स्टोरी, एंड कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी रिलेटेबल. जो आज की मॉडर्न लड़की है, जो काम करती है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती है, ये भी कोई दिखाता नहीं कि प्रोफेशनल वुमेन कैसे अपने घर को बैलेंस करती है, जो दीपिका का ये लोग दिखा रहे हैं. सो देयर वाज नथिंग टू से नो टू. स्टोरी वाज अमेजिंग, कैरेक्टर इज मोर रिलेटेबल, सो दैट्स हाउ आई सेड यस. जैसे कि नीथा ने बताया कि कुछ अलग है इस कहानी में, ऐसा लोगों ने पहले नहीं देखा है, तो क्या कुछ यू नो उम्मीदें हैं सर ऑडियंस से? क्या लगता है ऑडियंस इसे पसंद करेगी, नहीं करेगी? Yes, of course. जो भी देखेगा ज़रूर पसंद करेगा. Is my vision of the show. One of the reasons I've picked up the show is because I have faith in the show. अगर मुझे faith नहीं था तो मैं ये show नहीं करता. पूरा faith है because of the type of subject, and especially because it's dealing with एक ऐसा किस्सा जो हर घर में होता है. वो ये है, it's called the empty nest syndrome. जब बच्चे बड़े होते हैं तो या तो वो पढ़ाई के लिए घर छोड़ के जाते हैं या तो नौकरी में लग जाते हैं या बेटियां शादी करके चली जाती है। तो ये जो सिचुएशन होता है हर पेरेंट के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं और जब उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है, ये हर घर में होता आया है और होता रहेगा। तो इस घर में भी यही बात हो रही है, यू नो, सो इट्स समथिंग वेरी रिलेटेबल। इट्स नॉट कि मतलब क्या बात कर रहे, कुछ भी शो बना रहे, ये वैसी वाली बात नहीं है, यू नो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी हाउस। लेकिन कभी आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर लड़कियां शादी नहीं करना चाहती है तो समाज उन्हें ये बोलने लगता है कि यार कुछ तो कमी है या क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं कर रही है। इट्स हर पर्सपेक्टिव कि उसे करना है नहीं करना है, राइट? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग? सो this is exactly what this show is going to be dealing into, कि is marriage so important कि मतलब आप पूरी मतलब पूरी happiness खींच लोगे मेरी जो life के just because I'm not married। तो the show is dealing with this type of a subject and it'll eventually open up for the audience to see for themselves. I don't want to comment on it basically, you know, that's... As a girl, what do you feel about this? About what? Marriage. About marriage. और कि आजकल के लोगों के जो पर्सपेक्टिव है कि यार लड़कियाँ अगर शादी नहीं करी है, लड़का शादी नहीं कर रहा है, नॉट अबाउट पर्टिकुलर लड़की, तो उनका ये पर्सपेक्टिव हो जाता है यार कुछ तो कमी होगी इसलिए नहीं कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, राइट? व्हाट्स योर टेक? सो आई थिंक इट्स सोसाइटी वेयर यू लिव और योर आसपास के लोग, यू नो। आई थिंक इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, यू नो। कभी कभी किसी फैमिली दे रिस्पेक्ट द चॉइस ऑफ देयर किड, यू नो, कि ओके इफ यू डोंट वांट टू इट्स ओके। कुछ पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते, यू नो, या तो उनको सोसाइटी का प्रेशर होता है या रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। तो आई फील इट्स जस्ट द इंडिविजुअल चॉइस। जिस फैमिली में आप रहते हो, जहाँ रहते हो, अगर एक बच्चा नहीं, जैसे कि हमारे इसमें डैड इज़ नॉट सपोर्टिव बिकॉज उनको लग रहा है कि जाना चाहिए, यू नो, शादी करके जानी चाहिए वो, बिकॉज उनको लगता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। सो इट्स एवरी इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव, यू नो, सो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट। I believe that marriage is very important to start a family. वो तो आज भी मैं यही कहूँगा कि live in relationship is okay if you're single. The moment you want to start a family, raise a family, I support marriage definitely for the child's sake, for the sake of the child. Yes. नीथा, ये बताइए, जब आप सर से पहली बार मिली थी, जब मुझे याद है जब मैं इनसे पहली बार मिला था, बहुत ही यू नो रिलेटेबल लग रहे थे, इतने सालों से हमने इन्हें देखा है। प्लीज़ बताइए कि जब आप पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी क्या कुछ यू नो रिएक्शन था आपका? पहली बार इन्हें थे वाह, बिकॉज इट्स स्टैंडिंग, ऑफ कोर्स ही इज स्टिल सो चार्मिंग एंड यू नो एंड ही हैज दिस पॉजिटिव ऑरा एंड पॉजिटिव वाइब एंड एट द सेम टाइम वो ग्राउंडेड और ना बहुत मतलब ऐसे जाती है, ऐसे लगता नहीं कि ओ यू नो यहाँ ही सो क्या कहते हैं, सो इतने ग्राउंडेड है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि अरे हाय हाउ आर यू, जिस तरह से हेलो बोलते हैं ना उससे मतलब इंसान पिघल जाएगा, कि इट्स वेरी कनेक्टिंग वाली फीलिंग हो जाती है। सो दिस इज हाउ महेश जी इज, थैंक यू सो मच, दिस इज बॉन्ड यू कैन सी ऑन द। अच्छा सिखाया मैंने इसे। लेकिन सर प्लीज़ बताइए कि ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद, बड़े बनने के बाद वो ग्राउंडनेस बरकरार रखना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू हैव रीच्ड एनीवेयर, डेफिनेटली नॉट। बट ओवरऑल व्हेन यू आर ग्राउंडेड कैन यू इंटरेक्ट विद द रियल पीपल, नो। आपको असली लोग तो इसी जगह पे मिलेंगे ना, वहाँ ऊपर नहीं मिलते आपको असली लोग। असली लोग आपको इसी जगह मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव, स्टे ग्राउंडेड बिकॉज दैट्स वेयर यू फाइंड द रियल पीपल। अच्छा, अभी तक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा आप लोग से, अभी तक जितना भी शूट किया है आप लोगों ने, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस हैज बीन फॉर यू? For me, it's been excellent. I mean, I've enjoyed every single moment of it. You can ask Neetha. Yeah. It's been nice. It's been you know, I have scenes with father, sister. Sisters वाला अलग मजाक मस्ती, पापा के साथ मस्ती, कभी झगड़ा, कभी रोना धोना, कभी झगड़े, और you know which is like very real. और पति के साथ मेरा अलग ही ड्रामा चल रहा है, काम में कुछ अलग ही स्ट्रेस चल रहा है. So it's been fun. It's a mix of emotions. It's fun. It's fun. Okay, thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. Anything that you guys want to tell to the fans? Our show is starting on 11 December at 7:30 p.m. Do catch it. हम एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आ रहे हैं और बहुत दिल से हम शूट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके दिल को छुए और ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू नीता।